नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको हार्डवेयर की शॉप के बारे में बताना चाहूँगा। अभी मैंने एक क्लाइंट को हार्डवेयर शॉप के बारे में जानकारी दी है जो कि साउथ फेसिंग है, जो चीज़ मैं आपको इस मैप के द्वारा समझाना चाहूँगा। आपकी अपनी हार्डवेयर की शॉप है या आप कोई भी शॉप कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको अपनी शॉप के अंदर किस दिशा में बैठना चाहिए जिससे कि आपकी सिटिंग मजबूत हो और आपको अच्छे रिजल्ट मिले। जो शॉप मैंने देखी वो साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी है और उसमें दो दुकानों की एक दुकान की हुई है, बीच में एक कंप्लीट दीवार है और एक वहाँ से दोनों दुकानों को कनेक्ट करने के लिए दरवाज़ा दिखाया गया है। एज पर वास्तु इस दुकान के अंदर हार्डवेयर का सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आपकी भी कोई साउथ फेसिंग हार्डवेयर की शॉप है तो इस सेटअप को अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा। इसमें दो शटर दिखाए गए हैं, ये तो साउथ फेसिंग रोड है यानी बिल्डिंग साउथ फेसिंग है और यहाँ पर रोड है। यहाँ पर साउथ वेस्ट में स्टेयर्स बनाई हुई है और मेन शटर साउथ वेस्ट का दिखाया है यानी मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट की दिखाई गई है, जो कि ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों दुकानों को एक करने के बाद ये वाला शटर साउथ वेस्ट की ओर आ जाता है, जो कि एज पर वास्तु बिल्कुल गलत है। तो मैंने उनको सबसे पहले जो सलाह दी कि आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट में स्टेप्स बनाएं और यहाँ से आप अपने यहाँ दुकान में अंदर आने का रास्ता बनाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी दुकान की जो एंट्रेंस है वो एज पर वास्तु सही हो जाएगी। जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है इसको आपने कंप्लीट क्लोज करना है और यहाँ पर फिक्स ग्लास लगाकर इसको परमानेंट बंद करना है। साउथ ईस्ट से एंट्री करने के बाद एक बीच में दोनों दुकानों को एक करने के लिए यहाँ पर डोर दिया हुआ है, यहाँ से इस दुकान में अंदर आने का रास्ता बनेगा। मैंने कहा कि क्या इस डोर को यहाँ से हटाकर सेंटर में लाया जा सकता है, इस जोन में लाया जा सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ओनर यहाँ पर डोर निकालने के लिए, दरवाज़ा निकालने के लिए बात नहीं मानेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इस डोर को यहीं रखिएगा, एंट्री को यहीं रखिएगा, लेकिन आपने जो अपनी सीटिंग करनी है वो सीटिंग आपने यहाँ पर साउथ वेस्ट में यहाँ पर आपने अपनी सीटिंग करनी है। यहाँ पर आप बैठेंगे और यहाँ पर आपका कस्टमर आकर खड़ा होगा। आपने अपने यहाँ पर जो रैक लगाना है वो रैक सबसे पहले तो वेस्ट वॉल पर लगाना है। इस रैक के अंदर आपने सबसे हैवी सामान लगाना है यानी आपके हार्डवेयर के काम में जो सबसे हैवी आइटम होती है वो आपने वेस्ट की दीवार पर लगानी है। यहाँ पर जो ये फिक्स ग्लास लगाया है यहाँ पर आप एक डिस्प्ले विंडो बना सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ वॉल पर भी आप रैक लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लाइट वेट का सामान डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट वॉल पर भी आप रैक लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लाइट वेट का सामान डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने बीच में रैक लगाने हैं तो रैक आप यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं, इनके अंदर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी दुकान के अंदर नॉर्थ वॉल पर आपने लाइट वेट का सामान रखना है, ऐसे ही ईस्ट वॉल पर भी आपने लाइट वेट का सामान रखना है। जो आपकी सेंटर की दीवार है यहाँ पर, क्योंकि आपका हार्डवेयर का काम है और आपने अपने यहाँ पर प्लास्टिक के पाइप जिनकी लेंथ लगभग 20 फुट होती है वो कहाँ रखने हैं, वो पाइप का रैक आप, क्योंकि दुकान की गहराई ज़्यादा है तो वो रैक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी पाइपें रैक के अंदर लग जाएंगी। बीच में भी आपने कोई रैक लगाना है तो यहाँ पर रैक इस प्रकार से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया आपके दुकान के अंदर का सेटअप। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी रखना है तो पीने का पानी आप अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन में रखेंगे। मंदिर लगाना है तो मंदिर आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर भी लगा सकते हैं और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप अपना मंदिर लगा सकते हैं।
इन्वर्टर लगाना है तो इन्वर्टर भी आपका साउथ ईस्ट जोन में इसी जोन में आएगा। आपने अपने यहाँ पर मीटर जो लगवाना है वो मीटर भी आपका साउथ ईस्ट जोन में अंदर आ जाएगा, और बाहर लगाना है तो बाहर आपका यहाँ साउथ की दीवार पर यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक मीटर आ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर शटर्स के ऊपर यानी जो आपके दोनों शटर हैं इनके ऊपर कलर कौन सा करना है, दोनों शटर के ऊपर रेड कलर करेंगे या रेडिश ब्राउन कलर करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो स्टेप आप यहाँ पर नए बनाएंगे इन स्टेप्स के ऊपर भी आप लाल रंग का पत्थर लगाएंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके यहाँ जो आपका अपना स्टाफ है उनके लिए आपने स्टूल रखने हैं, वो स्टूल वो चेयर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं और आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ पर आपका अपना स्टाफ बैठ सकता है। इसमें आपने अंदर का जो कलर करना है वो कलर दीवारों का ऑफ वाइट कलर होना चाहिए, सीलिंग आपकी कंप्लीट वाइट होनी चाहिए, जो आपके शटर है शटर आपके रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर होने चाहिए, जो आपके स्टेयर्स बनेंगी नए वाली उनके ऊपर रेड कलर का स्टोन लगाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी वर्किंग पहले दिन से ही अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो हार्डवेयर की शॉप खोल रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में ओपन कर रहे हैं, एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है, तो ऐसे में जब पहली दुकान वहाँ पर हार्डवेयर की इनकी होगी तो काम तो ऑटोमेटिकली वैसे चल ही जाएगा, लेकिन एज पर वास्तु सेटअप अच्छा हो जाता है तो वहाँ पर बरकत आनी भी शुरू हो जाती है। आप अपनी नई हार्डवेयर की शॉप ओपन करने जा रहे हैं या अपनी शॉप को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर भी छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 500 वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।